अपने विवादों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत के निशाने पर अब एक्टर अमिताभ बच्चन हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर रही हैं। कंगना के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 20 अक्टूबर को तय की थी, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर अंदर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने 20 अक्टूबर के दिन अपनी फिल्म की रिलीज अनाउंस कर दी। कंगना इस बात पर भड़क गईं और भूषण कुमार को अपने ट्विटर अकाउंट से खूब खरी खोटी सुनाई। कंगना ने अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा और उन पर भी करारा वार किया। आपको याद दिला दें कि एक वक्त वो भी था जब अमिताभ बच्चन ने कंगना की फिल्म क्वीन के लिए एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर उन्हें प्रोत्साहित किया था। कंगना को भी कई बार अमिताभ बच्चन की बढ़ाई करते हुए देखा जा चुका है, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच मनमुटाव का क्लू भी मिल रहा है। गौरतलब है जब पिछले साल कंगना की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब उसे अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। हालांकि कुछ देर के बाद अमिताभ बच्चन ने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। इस वाक्य को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कंगना ने सवाल उठाए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिग बी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। कंगना ने इस ट्वीट में लिखा, जब मैं अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के लिए डेट ढूंढ रही थी तब मैंने देखा कि इस साल ज्यादा फिल्में रिलीज नहीं होने वाली हैं। मुझे लगा शायद पिछले साल मिली असफलताओं के कारण इस साल फिल्म इंडस्ट्री रिस्क लेने से कतरा रही है, इसलिए मैंने अपने पोस्ट प्रोडक्शन टाइमलाइन के हिसाब से 20 अक्टूबर की डेट तय की थी, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने 20 अक्टूबर के दिन अपनी फिल्म की रिलीज अनाउंस कर दी। कंगना रनौत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना रनौत ने टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन को भी अपने निशाने पर लिया। कंगना ने लिखा, पूरे अक्टूबर में कोई फिल्म रिलीज नहीं होने वाली, नवंबर, दिसंबर और सितंबर का महीना भी खाली है, लेकिन आज ही के दिन श्री अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को 20 अक्टूबर के लिए अनाउंस कर दिया। लगता है पैनिक मीटिंग हो रही है बॉलीवुड माफिया गैंग्स में। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया। कंगना ने लिखा, अब मैं इमरजेंसी की रिलीजिंग डेट एक महीने पहले ही अनाउंस करूंगी, वो भी ट्रेलर के साथ। जब सारा साल फ्री है तो क्लैश करने की जरूरत क्यों है भाई, ये हालत है इंडस्ट्री की, फिर भी इतनी दुर्बुद्धि, क्या खाते हो यार तुम सब, इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैसे हो। कंगना के इन एक के बाद एक ट्वीट्स के बाद कई सारे रिएक्शन सामने आए। कुछ लोग कंगना को सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने कंगना को बुरी तरह ट्रोल भी किया। एक यूजर ने लिखा, आपका मूवी आते ही बॉलीवुड को कोसना चालू कर दी, आप अपने हिसाब से कोसते हो, सलमान के घर पे पार्टी पे चले जाते हो, एकता के साथ प्रोजेक्ट कर लेते हो, पठान भी अच्छा मूवी हो जाता है, दोगलापन छोड़ दीजिए, जनता बेवकूफ नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, तुम्हारी पिछली 5 फिल्में फ्लॉप हैं, तुमसे असुरक्षित महसूस करने का कोई तुक नहीं बनता। एक और यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा, सदी का सबसे बड़ा मजाक। कुछ यूजर्स ने तो कंगना रनौत को बिग बी से पंगा ना लेने की भी चेतावनी दी। आपको बताते चलें, टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म गणपत की रिलीजिंग डेट 20 अक्टूबर को रखी गई है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन के अलावा कृति सेनन भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कंगना को नवंबर और दिसंबर में फिल्म को रिलीज करने का चैलेंज दिया। गौरतलब है कि नवंबर में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 और दिसंबर में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है।